गंदा है, सोसाइटी ऐसी है, माशरा ऐसे, क्या करें, नहीं मुनासिब बस। इकबाल ने अपने बेटे को जब बाहर के मतलब पढ़ने के लिए भेजा तो वो चला गया, तो इकबाल ने खत लिखा अपने बेटे को, बेटा बाहर के गंदे माहौल से अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि इकबाल ने अपना वाक्य उसमें लिखा था कि मेरा यूं इस्तेमाल हुआ मुझे यूं बदलाया गया, तो लिहाजा तुमने भी बचना। बेटे ने आगे से खत लिखा, अब्बा जी कैसी बातें करते हैं, गंद के अंदर कोई चीज पड़ी हो तो गंद से बच जाए ये कैसे हो सकता है, एक चीज है ही गंद में पड़ी तो गंद से बच जाए ये कैसे हो सकता है, ये तो आप मुझे इधर भेजने से पहले सोचते ना, अब आपने मुझे भेज भी दिया उधर गंद भी है और कहते हैं गंद से बचना भी है। जब इकबाल ने वो लेटर पढ़ा तो फिर इकबाल ने लेटर में बड़ी प्यारी बात लिखी, कलंदर लाहौरी लिखता है, बेटा हीरा होता है ना हीरा, वो अगर सुनार की दुकान पे पड़ा है तब भी चमकेगा, अगर कूड़े के ढेर पर पड़ा है तब भी चमकेगा। हीरे को ये जरूरत नहीं है कि वो कूड़ा देखे या सुनार की दुकान देखे या शीशा देखे या अच्छी जगह देखे, ना ना, हीरे का मकसद ये है उसे कूड़े में रखा जाएगा तब भी चमक देता है, उसे अलमारी में रखा जाए तब भी वो चमक देता है। बेटा तेरे अंदर ईमान की दौलत है, ईमान की चमक है, तेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि तू एक औरत के पीछे ईमान को बेच, तेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि तू फिल्म के चंद मनाजिर की खातिर अपनी अकल का सौदा कर। कहा बेटा तू एक चमकदार मोमिन है, तुझे गंद में रखा जाएगा, तूने अपनी चमक फिर भी दिखानी है, तुझे अलमारी में रखा जाएगा, तूने अपनी चमक फिर